हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रोचक कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं, वासना का दलदल और राजनीति पार्ट 3। पिछले भाग में आपने देखा कि कामिनी जब अपने प्रेमी के साथ पकड़ी जाती है तो वो बड़ी चालाकी से अपने पति हरि को मनगढ़ंत कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बनाती है। चंद्रभान कामिनी के साथ रातें बिताने के लिए उसके पति हरि को शराब का आदी बना देता है। पर एक दिन चंद्रभान की पत्नी को उनके नाजायज संबंध के बारे में पता चल जाता है। और अब आगे। एक दिन चंद्रभान की पत्नी सुगंधा को पता चल जाता है और अब वह गुस्से की आग में जल रही थी। उसका जलना लाजमी भी था। उसका पति महीनों से रात रात भर गायब रहता था, सुबह आकर सो जाता और खाना खाने के बाद जो दोपहर से काम पर जाने के बहाने से निकलता, फिर दूसरे दिन सुबह ही वापस आता। सुगंधा जानती थी कि उसका पति रात भर किसी बाजारू औरत के आगोश में रहता है। वह अपने पति को रिझाने का हर जतन कर चुकी थी, लेकिन सुगंधा को सिवाय गालियों के कुछ और नहीं मिला था। ससुर से शिकायत करने पर भी सुगंधा को यही जवाब मिला कि पति पत्नी के बीच हम क्या बोल सकते हैं। काम पर आते जाते उसकी नज़र नौकर शमशेर पर पड़ती रहती। उसके कसे हुए शरीर, ऊंची कदकाठी, कसरती बदन को देखकर सुगंधा के मन में चींटियां सी रेंगने लगती। सुगंधा की रातें बिस्तर पर करवटें बदलते बीत रही थीं। उसके मन और शरीर की जरूरतें जस की तस थीं। अपने जिस्म की भूख मिटाने की चाहत में सुलगती सुगंधा अपने पति के साथ बीते दिनों को याद करने लगी। उसके चंद्रभान के साथ बिताई हसीन रातें और प्यार की यादें ताज़ा हो गईं। जब नई नवेली दुल्हन बनकर उस हवेली में आई थी, तब चंद्रभान सुगंधा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। चंद्रभान की चुलबुली बातें, हंसी मजाक, देह से छेड़छाड़, चुमना सहलाना और बहुत कुछ सिनेमा के फ्लैशबैक की तरह फटाफट सुगंधा के दिमाग में घूम गया। जब पति की अनदेखी और आसमान छूती यौन सुख पाने की बेचैनी हद से ज्यादा होने लगी तो एक दिन सुगंधा ने शमशेर को बुलाकर कहा, तुम केवल मेरे पति के नौकर नहीं हो, बल्कि इस पूरे परिवार के भरोसेमंद हो। पूरे परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मालकिन, शमशेर ने सिर झुकाकर कहा। तो बताओ कि तुम्हारे मालिक कहाँ और किसके पास आते जाते हैं? उनकी रातें कहाँ गुजरती हैं? क्या तुम्हें अपनी छोटी मालकिन का जरा भी ख्याल नहीं है? सुगंधा ने अपनेपन की मिश्री घोलते हुए कहा, मालकिन, अगर मालिक को पता चल गया कि मैंने आपको उनके बारे में जानकारी दी है, तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शमशेर ने अपनी मजबूरी जताई। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। लेकिन मालकिन, सुगंधा ने अपना पल्लू गिराते हुए कहा, इधर देखो, मैं भी औरत हूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। शमशेर ने सिर उठाकर देखा, मालकिन की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था। मालकिन को ऐसी हालत में देखकर शमशेर पर वासना का रंग चढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ब्लाउज में मालकिन को पहली बार देखा था। पेट से लेकर कमर तक बदन की दूधिया चमक से शमशेर का मन चकाचौंध हो रहा था। शमशेर को ऐसा लगा जैसे उसकी कई दबी हुई इच्छाएं एक साथ पूरी होने वाली हैं। उसकी बाँछें खिल गईं। उसके शरीर के निचले भाग में तनाव आने लगा। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के अंगों में समाने लगे। दोनों काफ़ी उत्तेजित और उत्साहित होते जा रहे थे और एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे थे। शमशेर सुगंधा के अंग प्रत्यय को दबा रहा था, सहला रहा था। सुगंधा भी कभी उसे चुम्बन से गीला करती तो कभी उसके शरीर और बालों को सहलाती। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे में समाते रहे और जब वासना की भूख शांत करके थक कर निढाल होकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। कुछ देर शांत रहने के बाद सुगंधा साड़ी पहनते हुए शमशेर से बोली, सुनो शमशेर, मालिक वही जो मालकिन के साथ रहे, तुम भी मालिक बन सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। सुगंधा ने अपने बाहों का जाल उस पर फेंका। मालकिन के तन से खेलकर शमशेर की स्वामी भक्ति तो पहले ही भरभरा कर गिर चुकी थी। आपका हुक्म सिर आँखों पर, आप जो कहेंगी आज से शमशेर वही करेगा। आज से मैं केवल आपका सेवक बनूंगा। तो सुनो,
उस कलमुही का कुछ ऐसा इंतजाम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुगंधा ने कहा, जो हुक्म, कह कर शमशेर चला गया। शमशेर के सामने मालकिन का दुधिया शरीर घूम रहा था। सबसे पहले उसने कामिनी के पति हरि को खत्म करने की योजना बनाई। इस बार रात में कामिनी ने चंद्रभान से कहा, मेरा मरद तो अब किसी काम का नहीं है। अब तो वह हमें साथ देख लेने के बाद भी चुप रहता है। वह तो शराब का गुलाम हो चुका है। उसने शराब पीने में खेती बाड़ी बेच दी। तुमने उसे जुए की लत में ऐसा उलझाया कि यह घर तक गिरवी रखवा दिया। कम से कम अब तो मुझे औलाद का सुख मिलना चाहिए। आज की रात मुझे तुमसे औलाद का बीज चाहिए। चंद्रभान ने कामनी की बंजर जमीन में अपने बीज डाल दिए। सुबह चंद्रभान के निकलते ही शमशेर शराब की बोतल लेकर पहुंचा और उसने हरि को जगाया। तुम्हारा मालिक तो चला गया, हरि ने दरवाज़ा खोलकर कहा। हाँ, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए शराब भेजी है, शमशेर ने शराब की बोतल थमाते हुए कहा। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारे मालिक की, कहकर हरि ने बोतल मुंह से लगा ली। थोड़ी ही देर में शराब में मिला हुआ जहर अपना असर दिखाने लगा। हरि को जलन से भयंकर पीड़ा होने लगी। वह कसमसाने लगा, लेकिन ज़्यादा नशे के चलते उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। वह उसी हालत में तड़पता रहा और हमेशा के लिए सो गया। शमशेर ने सोचा यह था कि कामिनी के पति की हत्या के आरोप में चंद्रभान जेल चले जाएंगे और वह मालकिन के शरीर का मालिक बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल कामिनी ने शमशेर को शराब की बोतल देते देख लिया था। वह समझ चुकी थी कि चंद्रभान का खानदान उसके पीछे लग चुका है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। चंद्रभान उसके पति की जान नहीं ले सकता, उसने तो उसे हर ओर से नकारा बना दिया था। फिर ऐसा करने से पहले वह उससे पूछता जरूर। इसका साफ मतलब था कि इसमें उसके ही परिवार के लोग शामिल हो चुके हैं और अगला नंबर उसका होगा। कामिनी ने चंद्रभान को बताया तो उसने कहा, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं तुम्हें हर महीने रुपए भेजता रहूँगा। अगर तुम्हारी कोई औलाद हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी, लेकिन ध्यान रखना कि यह संबंध और होने वाली औलाद दोनों नाजायज हैं। भूल कर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अपनी जान के डर से कामिनी को दूर शहर में जाना पड़ा। जाने से पहले वह अपने पति के कातिल शमशेर को जेल भिजवा चुकी थी। चंद्रभान या उसकी पत्नी सुगंधा ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। वजह, चुनाव होने वाले थे। वे शमशेर से मिलने या उसे बचाने की कोशिश में जनता के साथ साथ विपक्ष को भी कोई हो हल्ला मचाने का मौका नहीं देना चाहते थे। इसके बाद चंद्रभान की जिंदगी में न जाने कितनी कामिनी आई होंगी। अब वह राजनीति का उभरता सितारा था। अपने पिता की विरासत को गांव के सरपंची से निकालकर वह विधानसभा तक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुका था। उसके काम से खुश होकर पार्टी ने उसे मंत्री पद भी दे दिया था। राजनीति और वासना तो चोले दामन के साथ जैसा है। सत्ता की ताकत और बेहिसाब पैसे से कौन प्रभावित नहीं होता। कितनी लड़कियां कभी नौकरी के लिए उसके पास आईं, वह कईयों के साथ संबंध भी बनाता गया। इस तरह चंद्रभान एक सरपंच के बेटे से लेकर देश की संसद में मंत्री बना था। इतना लंबा सफ़र तय करने में कितने लोग मारे गए, कितनी बेईमानियां, कितने घोटाले, कितने दंगे फसाद, कितने झूठ, कितने पाप करने पड़े, खुद उसे भी याद नहीं। आज चंद्रभान 65 साल का बूढ़ा हो चुका था। उसे याद रहा तो सिर्फ इतना कि एक कामिनी थी, एक हरि था। वह अपनी पत्नी सुगंधा को एक बार मुख्यमंत्री के बिस्तर पर भी भेज चुका था। उसके बाद उसकी सुगंधा से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सुगंधा के लिए बंगला ले, गाड़ी, नौकर चाकर, तगड़े बैंक बैलेंस का इंतजाम कर दिया था और सुगंधा को समझा दिया था कि बहुत कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। राजनीति का ताज पहनने के लिए उसने अपनी पत्नी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था। उसका बेटा विदेश में बस चुका था। चंद्रभान को यह भी याद था कि विधानसभा में मंत्री चुने जाने के बाद दूसरी बार जब वह मंत्री चुना गया था तब वह सुगंधा के पास गया था। तब उसने वहाँ शमशेर को देखा था।
शमशेर ने उसके पैर छुए थे। उसने सुगंधा से पूछा था कि शमशेर यहाँ कैसे, तो उसने तीखे लहजे में जवाब दिया था, मेरे कहने पर ही इसने हरी की हत्या की थी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे पनाह दूँ। तुम्हारे पास तो न मेरे लिए पहले समय था न अब, मुझे भी तो कोई विश्वासपात्र चाहिए। तुम तो आगे बढ़ने के लिए सबको सीढ़ी बना लेते हो और ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी को लात मार देते हो। कल उतरने की बारी आएगी तो बिना सीढ़ी के कैसे उतरोगे? सुगंधा बहुत कुछ कह चुकी थी। चंद्रभान कुछ भी नहीं बोला। वह फिर कभी सुगंधा से मिलने नहीं गया। रही सीढ़ी की बात, तो वह जानता था कि राजनीति में ऊपर उठने के लिए चाहे हजारों को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करो, लेकिन उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजनीति में जब पतन होता है तो आदमी सीधा गिरकर ख़त्म होता है। चंद्रभान का सबसे मुश्किल भरा समय था रागिनी कांड। तब उसकी काफ़ी बदनामी हुई थी। हाई कमान ने यह कहकर फटकारा था कि या तो इस मामले को निपटाए या इस्तीफा दे दीजिए, पार्टी की बदनामी हो रही है। रागिनी की उम्र महज 23 साल थी। खूबसूरत, नाजुक अदाएं, लटके झटकों से भरपूर, कॉलेज अध्यक्ष चुनाव जीतकर वह खुश थी। वह चंद्रभान से मिलने आई। चंद्रभान ने आशीर्वाद दिया, बधाई दी और अकेले में भोजन पर बुलाया। इससे आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर सुने। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।